Hello, entertainment junkies. I know surviving in this competitive world is not easy. क्योंकि आजकल हर कोई लाइफ के रेस में भाग रहा होता है बिना किसी क्लियर पाथ के. लेकिन यही वक्त है जब हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है एंड वो रिलेटेबल कहानियों की जो हमें थोड़ा कंफर्ट दे सके. तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 सीरीज़ के बारे में जो आपको इंस्पायर तो करेंगी लेकिन इनकी कहानियों से आपको मिलेगा वो कॉन्फिडेंस जो आपके एक्शंस को लाइफ चेंजिंग लेसन में बदल डालेगा. तो चलो शुरू करते हैं. और नंबर 1 वी हैव कोटा फैक्ट्री. ये जर्नी है आप में से कुछ स्टूडेंट्स की जो कोटा जाके अपने IIT ड्रीम्स को चेस करते हैं. कहानी में है वैभव जो अपने IIT के सपनों को चेस करते हुए कोटा पहुँच जाता है. बट सून ही रियलाइजेस कि ये जगह एक अलग ही प्लानट है जहाँ हर तरफ है कॉम्पिटिटर्स की भूखी दुनिया जो तुम्हें बस थका देना चाहती है. फिर एंट्री होती है उसके दोस्त मीना और उदय की जो लाइफ के स्ट्रेस को थोड़ा चिल बना देते हैं. और जीतू भैया, भाई वो तो लाइफ के अल्टीमेट गुरु है. इन स्टूडेंट्स के वो टीचर कम दोस्त ज़्यादा है. और नंबर 2 वी हैव एस्पिरेंट्स. ये एक जर्नी है 3 दोस्तों की, अभिलाष, SK और गुरी, जो UPSC के सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं. अभिलाष के स्ट्रगल, SK की डिटर्मिनेशन और गुरी की कॉमिक टाइमिंग इस जर्नी को फुल ऑन एंटरटेनिंग बना देता है. ये शो सिर्फ पढ़ाई के स्ट्रेस को नहीं बल्कि दोस्ती, लव और लाइफ की असली कहानियों को भी दिखाता है. एस्पिरेंट्स आपको ये याद दिलाएगा कि हर फेलियर एक स्टेप है सक्सेस की तरफ. और नंबर 3 वी हैव ऑपरेशन MBBS. ये 3 MBBS स्टूडेंट्स निशान, साक्षी और हुमा की कहानी दिखाता है जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और इनका MBBS परस्यू करने का अपना यूनिक रीज़न है. ये एक ऐसी जर्नी में है जहाँ उनके मेडिकल कॉलेज की दुनिया के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी लड़ना पड़ता है. स्ट्रिक्ट प्रोफेसर से लेकर ग्रूलिंग एग्जाम्स तक हर मोड़ पर चैलेंजेस इनका इंतज़ार कर रहे हैं. ये सीरीज सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की रियलिटी को नहीं दिखाता बल्कि दोस्तों के असली रंग भी दिखाता है. और नंबर 4 वी हैव हाफ CA. ये सीरीज 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर्ची और विशाल के अराउंड घूमती है. आर्ची एक CA एस्पिरेंट है जो मानती है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अलग करना केमिकल अलग करने से बेहतर है. और दूसरी तरफ है विशाल हु इज़ ऑल्सो एन CA एस्पिरेंट एंड आर्चीज़ बेस्ट फ्रेंड जो उसको अच्छे और बुरे वक्त में साथ देता है. इसके साथ साथ हम देखते हैं नीरज ग्रोवर की कहानी जो 2 बार CA एग्ज़ाम में फेल हो चुका है और CA बनने की पूरी कोशिश में है. ये सीरीज़ इन सब के स्ट्रगल्स, एंग्जाइटी, टफ चॉइसेस, सैक्रिफाइसेस को एक्सप्लोर करता है. और नंबर 5 वी हैव लाखों में एक. ये कहानी आकाश गुप्ता के अराउंड घूमती है जो एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता है लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि वो एक इंजीनियर बने. इसलिए वो उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं. वहाँ आकाश को बुलिंग, रैगिंग जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो उसके मेंटली और इमोशनली अफेक्ट करता है लेकिन वो अपने दोस्तों के सपोर्ट के साथ इसे कोप करता है. ये सीरीज़ उसके स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को दिखाती है जो उसे अपने सपनों के पीछे भागने और ख़ुद को प्रूव करने की जर्नी पर ले जाती है. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इन सब में से कौन सी सीरीज से रिलेट कर पाए. ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहे DNA.